हाय, आज मैं रामनगर में हूँ और यहाँ पे एक राम मंदिर है जिसमें राम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी हैं ज़ीरो पॉइंट पे। यहाँ से मैं बिल्कुल ऊपर जाऊँगा टॉप में। ये वो जगह है जहाँ पे राम जी ने कोई बांध चलाया था और वहाँ से पानी निकला था और जटायु जो है वो यहाँ पे ही रहते थे। और ये जो पूरा एरिया है ना, ये वल्चर का सेंचुरी है, फॉरेस्ट है आसपास। और शोले की शूटिंग, जो गब्बर सिंह वाला जो पहाड़ वहाड़ है ना, वो यही वाला पूरा एरिया है। तो यहाँ के पंडित जी हैं मेरे साथ, मैं इनसे थोड़ा बहुत पूछूंगा और उसके बाद यहाँ से आप पीछे जो गेट देख रहे हैं मेरे, यहाँ से 400 स्टेप्स है, वहाँ से हम जीरो पॉइंट में चलेंगे। वहाँ पे ही मंदिर है राम जी का और हनुमान जी का और लक्ष्मण जी का, और उसके दर्शन करेंगे। तो यहाँ पे जब मंदिर में आते हैं तो आपको फॉरेस्ट लैंड में एंटर करना होता है। अगर आप कार लेके आ रहे हैं तो 20 रुपीज़ कार का पार्किंग चार्जेस है यहाँ पे, एंड एडल्ट हैं तो एडल्ट 25 रुपीज़ पर पर्सन। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, हालांकि ना ये इंग्लिश में है ना ये हिंदी में, तो मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, बट आप फोटोग्राफ्स देख सकते हैं। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये अलग अलग यहाँ पे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप जाएंगे और देख सकते हैं। तो अभी मैं इसके ज़ीरो पॉइंट में जाने वाला हूँ, यानी जो सबसे ऊपर वाला एरिया है वहाँ से जाने वाला हूँ। और 800 एकड़ के करीब का ये पूरा फॉरेस्ट है, तो वो ऊपर से पूरा फॉरेस्ट नज़र आता है, वो आपको दिखाने वाला। इस जगह पर अपने शूज़ और स्लीपर्स उतार सकते हैं, बट मैंने पंडित जी से यहाँ पर पूछा तो उनका ये कहना है कि जो स्टेयर्स बने हुए हैं यहाँ से लोग शूज़ पहन के अंदर जा सकते हैं। जो मेन मंदिर है उससे पहले आपको ये शूज़ उतारने होते हैं। देखिए यहाँ से ये 400 स्टेप्स हैं, 400 स्टेप्स स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। ये हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन हो गए। ये देखिए, ये जो स्टेप्स आप देख रहे हैं ना, ये जो बना हुआ था, ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी यहाँ पे थे और राम जी जब जाते थे तो राम जी यहाँ से होते हुए ऊपर जाते थे। तो ये राम जी के जाने वाला रास्ता है, ये देखिए, और जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे चिड़ियों उड़ियों की आवाज़ आ रही है, जंगल है, प्रॉपर जंगल है, ये फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट के अंदर हम। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो जो सीढ़ियाँ हैं ना वो और स्टीप होते जा रही हैं। तो मैं बैंगलोर में था पिछले 15 दिन से, मौका बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था, बैक टू बैक पूरा स्केड्यूल था, लेकिन आज मौका मिला, इस तरफ आया हुआ था मैं तो रामनगर आ गया। और मुझे बस ये पता था कि यहाँ पे शोले की शूटिंग हुई थी, बट जब अंदर आया तो पता चला कि यहाँ पे तो मंदिर भी है, तो मन हुआ कि मंदिर का दर्शन किया जाए, तो निकल पड़े दर्शन करने। यहाँ कुछ तो लिखा है, ये मुझे नहीं पता क्या लिखा है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा मुझे। और ये व्यू देखिए चारों तरफ का, प्रॉपर जंगल, और हम जंगल के अंदर। देखिए हालत जो है ना ख़राब हो गई है, पसीने वसीने छूट रहे हैं, हाँफ रहा हूँ मैं बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि और नहीं चलना चाहिए, बट चलूँगा दर्शन करने और जाना है ऊपर तक। शिव जी के दर्शन कीजिए, ये देखिए हनुमान जी का फोटो दिखा मुझे यहाँ पे, और मंदिर भी दिखा है यहाँ पे भी। देखिए पूजा का कुछ है क्योंकि शिव जी है यहाँ पे, तो मेरा आइडिया ये है कि हो सकता है कि यहाँ पे नंदी जी को की स्थापना की गई है। कि ये वाला जो पार्ट है ना ये बंद है, मुझे बताया गया कि यहाँ से ऊपर जाएंगे जीरो पॉइंट में तो वहाँ पे दिखेगा। और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ऊपर वो वाला पॉइंट जो है ना आपको जो दिख रहा है वहाँ पे मंदिर है। यहाँ से आप वैली व्यू देखिए, वो दो चट्टान वहाँ आपको दिखेंगे, जूम करता हूँ, बीच में व्यू देखिए कितने ऊपर आ गया हूँ चल चल कर। श्री रामेश्वर स्वामी टेम्पल ये देखिए। सबसे पहले मैं उस जगह पर था, वहाँ पर वो वाला साइड जो मंदिर का ना वो क्लोज्ड है, बट अभी मैं वहाँ पर भी जाऊँगा। आई वॉन्टेड टू ओपन माई शूज़ और उसके बाद वहाँ पर जाऊँगा। तो यहाँ से अगर आप इधर देखें, ये मेन टेम्पल है। सो यहाँ इस मेन टेम्पल में आप यहाँ पे अपने शूज़ ये सब उतार सकते हैं। सो इज़ दी रिकॉर्डिंग अलाउड हियर ना? यस इट इज़ ओके टू रिकॉर्ड हियर, ग्रेट। आई वॉन्ट टू नो दी हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस कि क्या है, बिकॉज आई ट्राई टू फाइंड आउट द हिस्ट्री, बट आई If you come inside, I'll show you the god and tell you the history about that. Sure, sure. I'll open my shoes and then. Yes, yes. I'll open my shoes and socks both. So this is for all the people who cannot climb so high and come here to have a darshan of God. So मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे. आइए please. So यहाँ से enter आप करते हैं. So any people who are coming to worship,
they are supposed to stand here. They cannot go inside. They cannot go inside. Only the priest can go inside. Yes. All right. Like you can go inside. Yeah, can I cannot go inside. All right. I can do the darshan from here. एंड यहाँ पे अगर आप नाम देखेंगे तो देखिए ऊपर में लिखा हुआ है गॉड श्री पट्टा भी रामा. सो पट्टा भी रामा इज वन ऑफ द इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड रामा. वेयर इज द प्रसाद? दिस इज द फ्लावर. ओके, तो मैं एक फ्लावर ले लेता हूँ. दिस आई एम टेकिंग फॉर माई फैमिली एंड ऑल माई फ्रेंड्स और जो भी मुझसे रिलेटेड हैं, जितने भी लोग जिनको मैं जानता हूँ, और वो सब कुछ खुश रहें. और उनके लिए भी मैंने प्रे कर लिया है. यहाँ पे वी हैव सीन द आइडल्स देयर, है ना. ये क्या है यहाँ पे? दिस इज अ व्यू पॉइंट. दिस इज अ व्यू पॉइंट फॉर यू. सो वी कैन फ्रॉम आउटसाइड यू कैन नो दैट इज यू विल गो ऑन द टॉप ऑफ दैट हिल. ऑल राइट, एंड व्हाट इज देयर दैट टेंपल? दैट इज अ रामेश्वर टेंपल. ओके, लॉर्ड रामा हैज बीन केप्ट दैट रामेश्वर. All right, so and I saw that there is some kind of water body here. Yes, what is that? Body. This is called as Ramatirtha. On the time of Vanavasa, when Rama came to forest. Okay. So Rama came to this forest? Yes. Okay. He has stayed here also. All right. In 5 to 6 years he stayed here. Out of 14 years, he stayed 5 to 6 years, in this place? Yes. Okay. And Rama killed Kakasura Rakshasa also in this place itself. Okay. And this water body, you can see this. Yes. Ramatirtha, name called Ramatirtha. On the time of when Rama came to this forest. Okay. Sita didn't get water here like that. And so Rama in his arrow, he took up the water. So from the bow and arrow, he digged the arrow here. And the water came out. Water came out. Is this very deep? There is very deep here. This is so much of deep here. So how can people go there? People, they are not allowed to go there. They can only watch from here. Watch from here, yes. Okay. And what is the source of water now? The water comes from beneath? Yes. But this is a very high place. How can the water come? We don't know where is water coming here. Okay. For everybody, this water will be supplied from time. And that is called Saptarishi. Which is Saptarishi? That mountain. Seven Swamijis came here. Okay, the blocks which are here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seven blocks are there. Yes. Seven gurus came here and take the bath in that water body. Okay. And standard like idol. That is the history of this temple. All right. So they are also gurus. Yes. Saptarishis. Superb. Ye dekhiye, ye lake hai. Jahan pe राम जी ने तीर चलाया था और पानी नीचे से बाहर निकला था क्योंकि सीता जी को पानी नहीं मिलता था यहाँ पे. यहाँ से 250 मीटर्स में वी हैव हनुमान जी. यू आर कमिंग हियर आल्सो विद मी, है ना. सो ये चट्टान यहाँ से हम जा रहे हैं, वो सारे सात गुरु जो हैं वो वहाँ पे हैं. एंड यहाँ से मैं ऊपर चलता हूँ. ये जो मंदिर का दरवाज़ा है यहाँ पे, ये दरवाज़ा बंद है. और ये आप देख रहे हैं छोटी सी नाली दी गई है कि अगर बारिश हो तो पानी यहाँ से निकल जाए आराम से. जब भी आप ऐसे जगह पर आएँ तो अगर आप पानी, चिप्स, प्लास्टिक, बिस्किट कुछ कैरी कर रहे हो तो उनको इधर उधर ना फेंकें. इसको साफ़ रखें जगह को, जैसे नेचुरल. देखिए जैसे यहाँ पे बॉटल फेंका हुआ है, जाते टाइम मैं इसको उठा लूँगा. कोशिश करो, करना चाहिए कि ऐसे चीज़ों को साफ़ रखें. जो नेचुरल जगह हैं, जो फॉरेस्ट हैं, एटलीस्ट उनको साफ़ रखें और डस्टबिन में डालना चाहिए. तो ये जगह जो है, यहाँ पे शायद हवन ये सब होता होगा. और देखिए वहाँ कहीं नीचे से चल के मैं ऊपर आ रहा हूँ इस तरफ से, और चलते चलते फिर मैंने इस पॉइंट पर आया हूँ और यहाँ पे दर्शन करें भगवान जी के. अगर आप ज़ीरो पॉइंट पे जाना चाहते हैं तो देखिए इस यहाँ पे रामेश्वरम मंदिर का हमने दर्शन कर लिया, हमने ये मेन जो मंदिर है उसका दर्शन कर लिया, और आपको हनुमान जी के दर्शन करने हैं तो यहाँ से आपको 250 मीटर नीचे जाना पड़ेगा. हनुमान जी के दर्शन करने के बाद आप वापस आ सकते हैं, और यहाँ से फिर आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर ज़ीरो पॉइंट है, तो ज़ीरो पॉइंट से आपको पूरा 360 का ओपन व्यू मिलेगा. हम वहाँ पर भी चलेंगे अभी. सो अब हम यहाँ से ना पहले हम हनुमान जी के दर्शन करेंगे चलकर.
शूज़ पहन लिए हैं तो चलने में बहुत आराम हो गया है मुझे। तो हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम जीरो पॉइंट में जाएंगे यहाँ से और ऊपर से आपको व्यू दिखाऊंगा। अभी तक जो आपने व्यू देखा ना वो तो नॉर्मल व्यू है। घंटी है यहाँ पे तो घंटी बजाते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। बारिश के टाइम पे ये सब जो रास्ता है ना ये थोड़ा वाटरफॉल जैसा बन जाता होगा। एंड ये गेट है, ये गेट शायद बंद कर देते होंगे तो जो वाइल्ड एनिमल्स ये सब है वो नहीं आ पाते होंगे, तो इस वजह से शायद ये गेट लगा हुआ है यहाँ पे। तो हम यहाँ से चलते हैं अंदर। ये प्रॉपर सीढ़ियों की तरीके से नहीं बनी हुई है, पूरा पहाड़ है, तो पहाड़ों के थ्रू ही अलग अलग चट्टान हैं छोटे बड़े, और उनके थ्रू ही आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्लिप होने का बहुत खतरा है। अभी हमने पूरा रास्ता कवर नहीं किया, अभी काफ़ी रास्ता जो है वो कवर करना बचा हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत एकदम प्रॉपर रास्ता है या बहुत इजी सा रास्ता है, इजी सा रास्ता नहीं है, पूरा स्टीप हम नीचे जा रहे हैं। ऊपर जब आएंगे यहाँ से तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा हमारे लिए, बट ऊपर चढ़ने के टाइम पे इतना डर नहीं लगेगा। नीचे जब आप जा रहे हैं तो स्लिप होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो अपने पैर के जो ग्रिप है ना उसको अच्छे से बना के चलिएगा। मुझे लगता है भगवान जी ने मुझे जिम पर्पसली ज्वाइन करवाया था से 4 महीने पहले, जून के करीब मैंने जिम ज्वाइन किया था कि मैं इजीली यहाँ पे ट्रैक कर पाऊँगा। शायद जिम ज्वाइन नहीं किया होता तो इतने इजीली यहाँ पे चढ़ नहीं पाता। हालांकि अभी भी चढ़ने में डिफ़िकल्टी हुई थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल चला ही नहीं जा रहा था, रुकना पड़ रहा था बहुत ज़्यादा, ऐसा भी नहीं था। तो कुछ ना कुछ आप करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पस होता है, बड़ा पर्पस होता है। तो अभी का जो बड़ा पर्पस है वो यही था कि मैं भगवान जी के दर्शन कर पाऊँ। तो यहाँ से 30 मीटर्स और आगे है और ये जगह देखिए, जंगल के बीच में कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो फाइनली जो है हम यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ से भी एक रास्ता इधर जाता है चट्टानों की तरफ, और यहाँ पे जो है ये भगवान जी के दर्शन हम कर सकते हैं। दर्शन करने के लिए शूज़ उतारिए अपना बाहर यहाँ पर और फिर जाइए। अब हम चलते हैं, हनुमान जी के दर्शन करते हैं और उनसे बहुत सारा आशीर्वाद और पावर मांगते हैं। जय बजरंगबली। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए भगवान जी की मूर्ति है यहाँ पे, 700 साल पुरानी मूर्ति है ये भगवान जी की। दिया या जलता है, रेगुलरली पूजा होते रहता है यहाँ पे। बहुत सुकून है यहाँ पे, और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हनुमान जी का जो 700 साल पुराना मंदिर है वो था। हमने दर्शन कर लिए, दर्शन करने के बाद अब हम यहाँ से वापस जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, आगे की तरफ रास्ता बंद है 2 किलोमीटर, वो आपको और नीचे ले जाएगा और चढ़ना बहुत मुश्किल होगा, बहुत स्टीप है और आगे रास्ता इसीलिए बंद किया हुआ है। तो अकेले मत जाइएगा, ये बिना किसी प्रोफेशनल या गाइड के और आगे मत जाइएगा। यहाँ से हम पीछे जाएंगे वापस से और फिर वहाँ से मैं जीरो पॉइंट की तरफ जाऊँगा रेस्ट करने के बाद, और जीरो पॉइंट से आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ। तो यहाँ से दर्शन कर लिए हमने। अच्छा, एक और चीज़ जो मेरा ध्यान अभी गया, तो यहाँ पर वॉशरूम भी है। तो अगर आप ऊपर आते हैं आपको फ़्रेश होना है, वॉशरूम जाना है, तो उसकी फैसिलिटी है यहाँ पे। सो यहाँ से इस पॉइंट से 200 मीटर हम ऊपर और अभी जा रहे हैं जीरो पॉइंट देखने के लिए। यहाँ पे सीढ़ियाँ ठीक ठाक है तो आप आराम से यहाँ से चल सकते हैं। तो ये व्यू देखिए आप, अभी हम ऊपर चलेंगे तो ऊपर से और अच्छा बेटर व्यू आएगा, बट हाथ ऊपर करता हूँ। वहाँ पे देखेंगे तो हमारे 7 गुरु वहाँ पे खड़े हैं, और ये जो पूरा है ये पूरा वैली का व्यू है यहाँ नीचे। जगह पे थोड़ा सा स्टीप हो जाता है, तो चढ़ने के वक्त भी आप ध्यान रखिएगा और उतरने के वक्त भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ से देखिए ये व्यू, ये व्यू देखिए, और यहाँ से अगर गिर गए आप तो हड्डी पसली जो है ना वो एक हो जाएगी। तो ज़्यादा आगे मत जाइएगा, यहाँ पे कोई बाउंड्री वॉल वॉल भी नहीं है,
तो कई बार क्या होता है, आप मज़े मज़े में खड़े तो हो जाते हो और चक्कर आ गया तो फिर बाय बाय है सीधा। ये देखिए भगवान जी का मूर्ति, मैं आपको और पास से दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं पानी कैरी नहीं कर रहा हूँ तो मैं अंदर नहीं जाऊँगा। हाथ जोड़ लीजिए आप भी मेरे साथ। देखिए यहाँ पे गुफा है, जाने की कोशिश मत कीजिएगा, अटक गए तो कोई बचाने के लिए नहीं आने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे पहाड़ ख़त्म होता है, फिर आपको यहाँ से चट्टान से वॉक करते 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 ऊपर की तरफ जाना है। बहुत डेंजरस है, गिरे तो सीधा नीचे, तो विदाउट सेफ्टी गेयर्स यहाँ पे जाना मुझे रिस्की दिखता है। आई अवॉइड दिस। यहाँ पे भगवान जी के दर्शन कर लिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो इधर देखिए ये व्यू, और यहाँ से जो सात गुरुजी हैं हमारे, यहाँ पे ये ओपन स्पेस है, घास वास है यहाँ पे, और यहाँ से आगे गए तो वो फिर ख़तरनाक हो जाएगा, तो यहाँ से आपको और आगे नहीं जाना है कि। और ये लैंडस्केप देखिए आप, और ज़ूम करता हूँ कि आपको और दूर दूर तक नज़र आए। जहाँ भी आप देखेंगे चारों तरफ ग्रीनरी है और पहाड़ है। यहाँ पे आपको मैंने दर्शन करा दिए भगवान जी के, और हनुमान जी का मूर्ति भी दिखाया जो कि बहुत प्राचीन काल से है, और वहाँ जो जाता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। साथ साथ मैंने आपको मंदिर भी अंदर से घुमाया भगवान जी के, वहाँ पे भी आपको दर्शन कराएं, और पूरा जो ऊपर से व्यू है हिल टॉप से, वो पूरा व्यू भी आपको दिखाया। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और बहुत दिनों के बाद मैंने इस चैनल पर वीडियो डाला है, समय नहीं मिल पाता है काम की वजह से। तो चैनल में अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और मैं ऐसे ही और भी कोशिश करूँगा इस चैनल को भी एक्टिव रखने की। रेगुलरली इसमें भी वीडियो डाला करूँगा, अपने ट्रैवलिंग के वीडियोस डाला करूँगा। बहुत सालों के बाद मौका मिला मुझे ऐसे ट्रैवल करने का, बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है मेरा, तो जब ट्रैवल करने का मौका मिला तो मैंने आप सबके लिए ये वीडियो बनाया। थोड़ा यूनिक वीडियो बनाता हूँ मैं, वो रोज़ वाले वीडियो नहीं बनाता हूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।